नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लगातार मैनपुरी लोकसभा चुनाव से डिंपल यादव 1,00,000 मतों से आगे चल रही है। रिकॉर्ड मतों से डिंपल यादव ने अपनी जीत बढ़त बना ली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, तीनों सीटों पर सपा गठबंधन ने बढ़त बनाई है। मैनपुरी से डिंपल यादव तकरीबन 1,00,000 वोटों से आगे चल रही है और मैनपुरी लोकसभा सीट की मतगणना लगातार जारी है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और डिंपल यादव लगातार 1,00,000 वोटों से आगे चल रही है। और बता दें कि बीजेपी के रघुराज को अब तक 32,814 वोट मिले हैं। तो वहीं खतौली की अगर बात करें तो खतौली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का अपडेट भी आपको बता देते हैं, जहां पर 5वें राउंड तक वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और मदन भैया 8,800 वोटों से आगे चल रहे हैं और बीजेपी से राजकुमारी को 11,470 वोट मिल पाए हैं अभी तक। और पांचवें राउंड में समाजवादी पार्टी को 3,966 वोटों से आगे चल रहे हैं। असीम राजा, बता दें कि 9,387 वोट अभी तक उनको मिल चुके हैं। आकाश सक्सेना को, जो कि बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनको 5,421 वोट अभी तक मिले हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों पर, दो विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने उपचुनाव के परिणाम को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने यह कहा है कि उपचुनाव भविष्य के लिए निर्णायक संदेश होंगे। और हमसे बात करने के लिए बीजेपी कार्यालय से हमारे सीनियर करेस्पोंडेंट शशांक श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस प्रकार से हम नतीजे देख रहे हैं, एक के बाद एक परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की बढ़त और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या कुछ नतीजे कह रहे हैं? अभी तो शुरुआती रुझान है, रुझानों में ही वो 1,00,000 वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव, लेकिन जब इनके नतीजे घोषित होंगे तो वो परिणाम क्या होगा, वो मंजर क्या होगा? शशांक, देखिए साफ तौर पर मनीषा, आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुल जो मैनपुरी में जो वोटिंग होनी है 35 राउंड होनी है और अभी तक के 17 राउंड के जो अभी नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और मैनपुरी की बहू ने लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। हम लोग इसमें सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे खड़े हुए, यहाँ पर आपको सीधे साफ दिखा सकते हैं कि क्या नजारा है यहाँ पे, जहाँ पर चुनाव के नतीजे आते ही यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे इक्का दुक्का ही लोग दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हताशा और निराशा भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। साफ तौर पर जो प्रवक्ता है आलोक अवस्थी, उनसे बात हुई थी, उनका भी कहना साफ है कि अभी चुनाव परिणाम आने बाकी है और उन्होंने भी एक बात को स्पष्ट किया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की डेथ के बाद में कहीं ना कहीं जो वहां समाजवादी पार्टी का जो डर था, उनको जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल रहा है उनका। और एक बात और स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके और वहां पे कोई आदमी, यानी अभी और कोई अन्य दल जो है वो अभी से नहीं जीत और हार का फैसला किया जाता है, क्योंकि अभी 17 राउंड और होने बाकी। वही रामपुर और कहते हैं खतौली में उन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित कराया, कह रहे कि अभी परिणाम आना बाकी है, परिणाम से पहले कुछ भी कहा जाना ठीक नहीं होगा। बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं, वहां पर कौन मौजूद है? अभी बीजेपी के कोई नेता ने, किसी ने टिप्पणी की है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, वो इस चुनाव को लेकर क्या कहते हैं। दूसरे राज्यों पर जब हम नजर डालते हैं, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां पर एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य है उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा जो दूसरे नेता है उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की है। बयानबाजी से नेता क्यों अभी तक पीछे हैं और इस चुनाव को वो कैसे देखते हैं? आप उनसे बात करिए, बीजेपी के कौन है वहां पर मौजूद, उनसे भी अपनी राय लीजिए कि उस चुनाव को वो कैसे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले, साफ तौर पर कुछ नेता यहाँ पर हैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं, लेकिन वो भी बोलने से कतरा रहे हैं। साफ तौर पर अगर पार्टी प्रवक्ता की बात करें, पार्टी प्रवक्ता के अलावा किसी ने भी अभी किसी तरह का तैयार किया और जो स्थिति में नहीं कि वो कुछ बोल पाए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो की राशि पता है लगातार वो ही एक ऐसे हैं जो टीवी पैनल्स में और लाइट दे रहे हैं और बता रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं साफ दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मैं उनसे बात करूंगा, जानूंगा कि क्या चीजें हैं। सर क्या कहेंगे, अभी जिस तरह से उपचुनाव में नतीजे आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बढ़त है? समाजवादी पार्टी की बढ़त अभी उसी दिखाई दे रही, परिणाम आने तक भाजपा जीत रही। लेकिन अभी तो जो शशांक जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, शशांक जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये लड़ाई किन मुद्दों को लेकर थी? बीजेपी का विकास वर्सेस
बीजेपी का विकास वर्सेस समाजवादी पार्टी का जो परिवार है उसके बीच में लड़ाई थी, किन मुद्दों को लेकर लड़ाई थी? शशांक जी पूछिए जी, किन किन मुद्दों पर लड़ाई मानते हैं आप? समाजवादी पार्टी का सुशासन और शासन की व्यवस्था को लेकर के आप लोग सभी चुनाव में जीत के आए हैं। अब समाजवादी पार्टी की अगर बात करें वहां से उनका गढ़ है, तो ऐसे में जो जीत और हार का जो फैसला है वो किन मुद्दों पर होगा और क्या चीजें खास होंगी? देखिए, अगर डिप्पल जी के क्षेत्र की बात देखी जाए तो वहाँ उन्होंने देश के हित में वोट नहीं दिया है, केवल अखिलेश के परिवार को दिया हुआ। बाकी देश के लिए पूरी दुनिया में भाजपा को ही वोट करेंगे कि धारा 370 भाजपा ने हटाया, राम मंदिर भाजपा ने बनाया, ऐसी पार्टी मिलेगी नहीं। योगी मोदी देश का योग्य पुरुष पैदा नहीं होगा देश में, तो ऐसे लोगों को वोट न दे करके भूल कर रहे हैं। लेकिन एक बात चाहिए कि मान लेते हैं मैनपुरी की बात मान लेते हैं, लेकिन खतौली और रामपुर में आप लोग के पीछे जहाँ पे आपका वर्चस्व चुका है, आप लोग कह रहे थे पूरी तरीके से हम लोग जीत जाएंगे, वहाँ पे क्यों आप लोग पीछे? अभी वो टीवी डिबेट चल रहा है, औरतें घट पड़ रही, आने वाले समय में परिणाम पूरा निकलेगा तो दोनों सीटें भाजपा की झोली में, दोनों सीटें भाजपा की झोली में, लेकिन जो अंतर है वो काफी बड़ा है, ऐसे इस अंतर को मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज कंट्रोल को कैसे मैनेज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? बात यह है कि मतदान में वोट किसी किसी गई, कहीं बढ़ रही, कहीं कहीं पे जो ज्यादा भी निकलेगी ना वोट के क्षेत्रों में हमारी भी ज्यादा निकलेगी, वो बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। नाम क्या? रामराज यादव मेरा नाम है। रामराज यादव है, यादव समुदाय से संपर्क रखते हैं। और रामराज यादव जी से पूछिए कि जो तीनों सीट है, चाहे वो एक लोकसभा हो, दो विधानसभा हो, तीनों पर बीजेपी पीछे चल रही है और तीनों पर जो है समाजवादी पार्टी प्लस जो गठबंधन है उनकी जीत की ओर लगातार वो अग्रसर है, इतना बड़ा मार्जिन हो चुका है, 1 लाख वोटों से डिंपल यादव आगे है। तो जो बात कर रहे थे रामराज जी की, जो जिस तरीके से योगी सरकार ने जो काम किया, काम को नकार दिया, विकास को जनता ने नकार दिया, क्यों? जी यादव जी ये बताइए, विकास को आखिर जनता ने क्यों नकार दिया? लगातार जो वहाँ पे जो वोटिंग मतगणना का अंतर है तो काफी बड़ा, 1 लाख वोटों से भाई 10-20 हजार होता तो मैनेज हो जाता, इसलिए आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि मैनपुरी, रामपुर, खतौली में जो जनता है उसने क्या विकास कार्यों को नकार दिया? देखिए, विकास कार्य तो नहीं नकारा है जनता ने, लेकिन वो मुलायम सिंह का जो अभी जो अंतकाल आखिरी में जो स्वर्गवास हो गए उनके सिद्धाजिली के नाम से वहां पर तो लोगों ने एक तरफा वोट दे दिए, लेकिन इन दोनों सीटों पे अभी इंतजार करिए, भाजपा वास्तव में भाजपा जीतेगी कि भाजपा ने कुछ किया है देश के लिए? भाजपा जैसा दल कोई किसी के करेगा नहीं। मैनपुरी में यानी काम नहीं किया था या नेताजी की जो लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो काम आ रहे हैं? जनता जल्दी ही काम आ रहे हैं, काम किया भाजपा ने तो काम तो आप लोग चिल्ला रहे थे कि हमारी जीत होगी, अभूतपूर्व जीत होगी, समाजवादी पार्टी के खेमे में हम लोग लगा देंगे और आगे ध्यान देते। देखिए, वहाँ पर दबाव से वोट पछुड़ गई है और हमारी जीत आज भी थे और लेकिन जो दबाव अपने वहाँ डलवाया है वो उनकी पड़ी है, लेकिन लगातार समाज कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग कर रही है, गलत आरोप लगा रहे थे। क्यों नहीं बीजेपी के सामने अपने चुनाव में सिर्फ एक बार जीपीएस राठौर सामने आए, उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके जो नेता थे, बड़े नेता थे, वो लगातार निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और रामपुर में तो पूरा का पूरा यानी एक जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे वोट ही उनको वोट डालने से रोक दिया गया और वहां मतदान की पर्ची नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो कितने सुनिश्चित मानते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी तो झूठ बोले तो कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं जवाब दिया है, झूठ के जवाब देने के लिए समय थोड़ी है। जनता तो जनता तो सब जानती है, पब्लिक ने ही आपको सिरमौर बनाया, पब्लिक ने ही आपको सर्व यानी जमीन से उठा करके आपका वनवास खत्म किया, और ऐसे में फिर से उपचुनाव में कल अगर दिल्ली की बात में क्या रहा, दिल्ली में आप जीते बनाई अभी जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें भी आप देख सकते क्या कहें? देखिए, बात है जनता पार्टी सरकारें हैं, एक आज कमजोर पड़े विषय नहीं पाया जाता, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव में इस तरह की शिकस्त होती है, अभी ट्वीट भी किया है केशव प्रसाद मौर्य ने कि उपचुनाव के जो परिणाम होंगे वो भविष्य तय करेंगे, अभी तो भविष्य तय हो रहा है आपका, तीनों सीटों में समाजवादी पार्टी ही आगे जा रही है, तो ऐसे में क्या भविष्य होगा भारतीय जनता पार्टी का? गरीबों को नहीं मिला, धारा 370 हटाया,
मतलब हमारी पार्टी, हम लोग धरना दिया करते थे 1993 के अंदर, आज वो भाजपा के दिन है। आज हर आदमी जो आतंकवाद टाइप का बवाल मचाते तो हर चौरे गुंडा करते थे, बंद कर दिया, योगी जी का मत है। तो जो मंदिर का मुद्दा जो दुनिया करती थी, कोई सरकार भाजपा में सरकार में न बना तो हिंदुत्व तो और देश की जो इज्जत पूरे देश में बनाई वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने, लेकिन उसके बाद उसके बाद भी वो उसके बाद भी बात करें कि 150 प्लस बीजेपी वहां पर पहुंच चुकी है, 150 प्लस वहां पर पहुंच चुकी है। एक तरफ बिहार की बात करें, ओडिशा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, सभी जगहों पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के जो शुरुआती रुझान आए हैं वहां पर कांग्रेस बहुमत की ओर है, सिर्फ गुजरात में जो स्टेट है वहां पर 150 प्लस बीजेपी जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे रामराज जी? रामराज जी बीजेपी जो है गुजरात में 150 की सारी है अभी, और हिमाचल के वहां भी पीछे हो रही। तो क्या कारण मानते हैं कि पूरे देश में जो मोदी जी का मोदी जी का जमाना था, मोदी जी के बड़ा तो ठीक है, लेकिन आगे क्यों और अन्य जगह से जो रुझान आ रहे भारतीय जनता पार्टी पक्ष में। अभी आपको शाम परिणाम पूरे घोषित हो जाने दिए, ग्राफ कहीं पार्टी का नहीं गिरेगा। जो देश का आदमी मूड बना चुका है, ऐसी पार्टी आने वाले समय किसी को मिलने वाली नहीं है, किसी को लोग पुलिस नेता ही लोकतंत्र में, तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकते लोग, इन्हीं के लिए वोट करेंगे। अब देखिए सरकार हिमाचल में भी अपनी ऊपर नहीं, अब आप कर सकते हैं वहां का खेल रहा है, एक बार कोई और दूसरी बार कोई, हिमाचल में भी हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन राजनीति है कहीं कहीं पर, कहीं 19-20 अभी मतगणना चल रही है, कहीं ना कहीं 19-20 चल रही है, तो यार रहेगा थोड़ी देर बाद अंतर इसका क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल। एक सवाल और पूछें कि जिस प्रकार से जो वोट परसेंटेज है समाजवादी पार्टी का, जो मैनपुरी लोकसभा सीट है, एकदम से वोट परसेंटेज बढ़ गया है। अगर वो सीट अगर बीजेपी जीत भी जाती और वोट परसेंटेज अगर बीजेपी का कम रहता तो कहीं ना कहीं ये सपा की जीत मानी जाती, लेकिन सपा का जो वोट परसेंटेज है वो इससे ज्यादा और बढ़ गया है, बीजेपी का बहुत कम हुआ है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहां पर कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया, तीन तीन राज्यों के मुख्यमंत्री ने वहां पर प्रचार किया, मुख्यमंत्री ने खुद वहां पर प्रचार किया, और मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट के तमाम मंत्री थे उन लोगों ने भी वहां पर प्रचार किया, उसके बाद भी जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है वो एकदम से लो हो गया और सपा का हाई हो गया है। ये सवाल करें आप। देखिए साफ तौर पर कुछ लोग और हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे बात करते हैं, सवाल पे उनसे जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी काफी बढ़त बनाई, 1 लाख वोटों से आगे चल रही है डिंपल यादव, और खतौली और उसकी बात कर ले अगर रामपुर की, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीछे चल रही है, क्या कारण मानते हैं? और वोट परसेंटेज अगर मानिए जीत भी जाते हैं, वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ रहा, ऐसे में क्या कहेंगे? ये सहानुभूति वोट उनको जो है नेताजी का मिला हुआ था मैनपुरी में, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी आप देखो गुजरात में जो है बम्पर जो है जो उम्मीद से ज्यादा, जो जितनी उम्मीद नहीं लोगों की थी उससे ज्यादा हम लोग जो है गुजरात में 27 साल बाद भी आज वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो एक दो सीटों से ये कोई ऐसा ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारा बीजेपी का कोई बहुत जो है स्तर गिर रहा है, ये भी आज भी मजबूत है उत्तर प्रदेश में भी और गुजरात से। आप तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये जो उपचुनाव के परिणाम है वो भविष्य तय करेंगे आने वाले चुनाव में, ऐसे में तो भविष्य साफ हो रहा है कि तीनों सीटों को आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, डिप्टी सीएम साहब ने स्पीड किया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो है वो केंद्रीय मुद्दे अलग है, ये उपचुनाव का मुद्दा अलग है। केंद्रीय चुनाव में आज भी जो है पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, और बहुत जो है अभूतपूर्व जो पिछले से भी पिछला वाला भी रिकॉर्ड टूटेगा, 400 के पार पे जाएंगे इस पर। ये लोकसभा की बात करें लेकिन उत्तर प्रदेश में भी स्थानीय निकाय चुनाव है, कल दिल्ली में आपकी कराची हार हुई और आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, ऐसे में क्या कहेंगे? प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार और योगी जी के बारे में सबको पता है, बहुत योगी जी और पूरा यानी कई मंत्रियों का खेमा आपके यहाँ मैनपुरी में उतार दिया गया था, रामपुर में उतारा गया था, खतौली में उतारा गया था, उसके बाद में क्यों डिफीट कर रहे हैं? सहानुभूति रामपुर में क्यों? रामपुर में तो कोई ऐसा वो नहीं, रामपुर में तो आजम खान लगातार जेल में रहे, वहाँ पे क्या ऐसा रहा? अभी इसके पहले भी आपने चुनाव देखा होगा वहाँ पे, वहाँ बीजेपी का ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता है, समीकरण हो जाते हैं प्रत्याशियों के, उससे
क्या 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 कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, कमी क्या रह गई, इसकी समीक्षा भी तो होती है, कुछ कमी रह गई होगी, आप इस बात को मान, वो हम जो प्रणाम के बाद जो है समीक्षा बाद में होती है उस पर हम देखेंगे कि कहाँ कमी, लेकिन शुरुआत के नतीजे भाजपा के विपक्ष में, विपक्ष में नतीजे क्या विपक्ष में, और वो जो कारणों पर जो है बाद में अभी समीक्षा होगी, और ये बहुत एक दो सीटों में इधर उधर होने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ना होता है जी, बहुत दिल्ली के निकाय में जो गड़बड़ी हुई है वो यूपी में सुधारा जा रहा है, यूपी में इसके लिए किया जाएगा कि जो दो बार के पार्षद रह चुके हैं या तीन बार की जो रह चुके हैं, जैसे गुजरात में तीन बार के हटाए गए, दिल्ली में यही दिक्कत रही जो रिपीट करते गए पार्षदों के चुनाव उनसे जनता छिन्न रही, उनको छोटे छोटे मुद्दों में वोट परसेंटेज बिगड़ा, अब फिर यूपी में हमारी पार्टी दो लोगों को बाहर के पार्षदों को हटा करके नए और पुराने कार्यकर्ताओं को मौका देगी, और जो छोटे छोटे मोहल्ले में छोटी छोटी चीजों से लोग छिन्न रहते थे उससे वो परसेंट बढ़ेगा नए लोगों आने से। चलिए ठीक है, वर्तमान मतदान का हटाएंगे हमारा वही परसेंट। मैं ये चाहूंगा कि एक क्वेश्चन ये भी करें कि जो वोटिंग परसेंट जो रही है वो इस बार बहुत कम रही, रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर में महज 33% वहां पर वोटिंग हुई, और जब भी किसी राज्य में वोटिंग परसेंट कम होती है तो जो सत्ताधारी दल है वो खतरे की घंटी उसके लिए माना जाता है, रामपुर में जो वोटिंग परसेंट है वो महज 33% हुई, हथौली की अगर बात करें तो 56% वहां पर वोटिंग हुई, अगर मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी में 53% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव हुए हैं और जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे भी बहुत कम वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी बीजेपी के लिए तो थी ही, क्योंकि जो वोटिंग परसेंट कम हुई है उससे ही ये पता चल रहा था, लेकिन जब वोटिंग परसेंट कम हुई तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को वो किन मुद्दों को नहीं दिया, विकास के मुद्दे पर वोट नहीं दिया या रामराज के मुद्दे पर वोट नहीं दिया या फिर जो राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं, जो मुद्दे कौन से हावी रहे वहां पर स्थानीय स्तर पर? जी जी, मैं हमारे साथ एक लोग, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता जी से बात करते हैं। सुनील जी, मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो वोट जो पड़ा सबसे कम रामपुर में पड़ा, 33% लगभग, 56% रामपुर में, इसी तरह खतौली और उसकी बात कर ले मैनपुरी में, मैनपुरी जब वोट कम पड़ता है कहीं कहीं जो स्थानीय सरकार होती है रूलिंग पार्टी होती है उसका नुकसान था। राम राज्य की बात करें, हिंदुत्व की बात करें या शासन और राशन की बात करें या सुशासन की बात करें, विकास की बात करें, किन मुद्दों पर वोट नहीं पड़ा या वोटिंग परसेंटेज में क्यों कम रहे? जनता इंटरेस्टेड थी एक सीट मैनपुरी हारने के बाद मोदी की सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खतौली और रामपुर के हारने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राज्य सरकार, हम लोगों ने उन्हें सांत्वना पुरस्कार, क्या हम उन्हें रुलाते ही रहे, कुछ तो ट्रॉफी दे दें बच्चों को, सांत्वना पुरस्कार में हमने लेके हाथ कमा ठीक है। लेकिन शशांक, यहाँ पर मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, यहाँ पर योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, शशांक ये सवाल पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव नहीं देखे, लेकिन गुप्ता जी बात है कि यहाँ मोदी जी का चुनाव नहीं, यहाँ पे योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी दर्ज कराते हैं, ऐसे नहीं योगी इम्पैक्ट क्यों कम हो रहा, मोदी की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में आखिर जीत का सबक क्यों नहीं, हार का कारण क्यों, हमारा गुजरात जो है वो गिरा, भाजपा दयावान है, बच्चा रोने लगा तो हमने कहा ले जाओ बेटा। शशांक आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा, शशांक आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा, उस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में मिल रही है, जहां पर लगातार मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए हैं, तकरीबन 1,00,000 वोटों से डिंपल यादव आगे हैं, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट से डिंपल यादव आगे चल रही है, खतौली से भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, रामपुर से भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। शशांक, हमसे बात करने के लिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, लगातार अपडेट हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाते रहिएगा, मैं फिर आऊंगा आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार। तो इस बीच बड़ी खबर ये आपको बता दें, जहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, गुजरात में बीजेपी लगातार लीड पर बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, 150 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस शुरुआती रुझानों में